हर हर महादेव। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें गुरुविनी माताओं के नियम लिखे थे कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार गर्भिणी पति धर्मा, शास्त्रों में ये भी लिखे कि जिनकी पत्नी जो है गुरुविनी हो, गर्भवती हो, तो उनके पतियों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनके भी विशेष नियम हैं। और इन नियमों का पालन भारतवर्ष के पति बहुत कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुत्र जनन में माता के आचरणों का ही प्रभाव पड़ता हो, पिता के द्वारा किए गए पूर्व में और गर्भावस्था में भी पिता जो कृत्य करते हैं या कुकृत्य करते हैं उन सब का फल, सुफल, विफल सब उस बालक के ऊपर, गर्भगत शिशु बालिका के ऊपर अवश्य पड़ते हैं। तो उनके लिए क्या विधि निषेध है, देखिए निर्णय सिंधु के आधार पर। चतुर्वर्ग चिंतामणि जो हेमाद्री जी का ग्रंथ है उसमें कौंडिन्य के वचन का प्रस्थापन करते हुए वे कहते हैं कि ये काम देखिए परिवर्जित करना चाहिए गर्भिणी स्त्री के पति को, कि मुन्ननम पिंड दानं च प्रेतकर्म च सर्वशः न जीवत पितृका कुर्यात् गुरुविणी पतिरेव च। मुंडन नहीं करवाना चाहिए, पिंडदान नहीं करना चाहिए किसी का, प्रेत कर्म भी नहीं करना चाहिए। ये सभी काम जिनके पिताजी जीवित हों उनको भी नहीं करना चाहिए, और जो पिता बनने वाले हों जिनकी पत्नी गुरुविणी हो उनको भी नहीं करना चाहिए। न कुर्यात् गुरुविणी पति, याज्ञवल्क्य स्मृति की है ना, आचार्य विज्ञानेश्वर जी ने अपनी टीका में लिखा है कि स्वर प्रणीत है ना, मिताक्षर टीका में कहा गया है कि उदनवतोम भस्य स्नानम नख केशादिकर्तनम अंतर्वत्निया पति ही कुर्वन न प्रजा जायते ध्रुवम। देखिए समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए गुरुवनी पति को, उदनवतः अंभसि स्नानम, समुद्र जल में नहीं नहाए, नख केशादि कर्तनम, नख छेदन नखों को नहीं काटे, केशों को जो है केशों का कर्तन नहीं करे, ऊपर मुंडन बताया था बपन, अब कह रहे केशों को काटे भी नहीं, तो ये भी स्मश्रु दाढ़ी इत्यादि नहीं बनवाना है। नख केशादि कर्तनम अंतर्वत्निया जो गुरुविणी स्त्रियां हैं अंतर्वत्निया पति कुर्वन न प्रजा जायते ध्रुवम, यदि वो ऐसा करता है तो उसको श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, न प्रजा जायते ध्रुवम। ये बात ध्रुव है, निश्चित है। और भी आगे कहा गया है, बपनम मैथुनम तीर्थम वर्जयेत गर्भिणी पति श्राद्धम च सप्तमासान मासा दूर्धम चान्यत्र वेदवित। बपन ये सात महीने के प्रारंभ होने से पहले छोड़ देना चाहिए, छठे महीने में इसका त्याग कर दे, 7, 8 और 9 महीने में बिल्कुल, 7वें महीने का गर्भ हो, 8वें का हो 9वें का हो या 9वें से और 10वें महीने में जो भी समय जब तक जन्म ना हो जाए तब तक गर्भिणी पति को ये कर्म नहीं करना चाहिए। बपनम जो है मुंडन नहीं करवाए, बाल नहीं कटवाए, यूँ समझ लीजिएगा। मैथुनम मैथुन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्त्री से प्रसंग संबंध नहीं बनाना चाहिए। तीर्थ में नहीं जाए, नवीन तीर्थ यात्रा भी नहीं करे। वर्जयेत गर्भिणी पति श्राद्धम च श्राद्ध नहीं करे, सप्तमासा दूर्धम न कुर्यात्, ये सब काम नहीं करना चाहिए। मुहूर्त दीपिका में भी बतलाया गया है कार्य, कुछ इन शास्त्र के वचनों में कुछ तो वही वचन रहते हैं, वही बातें रहती हैं, कुछ और भी जुड़ जाते हैं। क्षौरम शवानुगमनम नख कृंतनंच युद्धादिवास्तु करणम त्वति दूरयानम उद्वाह मौपनयनम जलदेश्चगाह मायुक्षयार्थमिति गर्भिणिका पतीनाम।
ये गर्भिणी का जो पति है वो छौरम किसी भी प्रकार से बाल बनवाना या जो है ये हर जगह आ रहा है, केश कर्तन नहीं करना चाहिए, शवानुगमनम शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए, नख कृंतनम नखों को नहीं काटना चाहिए, युद्धादि लड़ाई नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, वास्तुकर्णम नया घर भी नहीं बनवाना चाहिए या जो घर में टूट फूट भी सुधरवाना ये सब कार्य नहीं करे, भवन नहीं बनवाए, और त्वतिदूर यानम लंबी यात्राओं को भी नहीं करना चाहिए, उद्वाहम या अपना कोई दूसरा विवाह अथवा पुत्र पौत्री का विवाह भी वर्जित है, उपनयनम पुत्र का उपनयन भी वर्जित है, जलधेश चगाह समुद्र में स्नान अगर ऐसा करता है तो आयु क्षयार्थम वो आयु का क्षय होता है उस बालक का और उस पति की आयु का भी, इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए, दहनम वपनम चैव चौलम च गिरिरोहणम नावश्चारोहणम चैव वर्जयेत गर्भिणी पति, नाव में बैठ करके यात्रा नहीं करना चाहिए, नाव में नहीं बैठना चाहिए, और पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए, वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए, अपने बालकों का मुंडन इत्यादि संस्कार उसको रोक देना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए, दहन वपन अनुब्रजमन इत्यादि शव से संबंधित कृत्य भी नहीं करना चाहिए। परंतु इनका ये जो है एक अपवाद भी है, यदि कोई पति जो है जिसकी पत्नी गर्भिणी है ऐसा है और उसके ही परिवार में उसके वृद्ध माता पिता या कोई जो है दिवंगत हो जाते हैं तो उनका वो पिंडदान श्राद्ध इत्यादि फिर कर सकता है, क्योंकि उसका वही अधिकारी है तो फिर वहाँ दोष नहीं है। सामान्य रूप से जिनके में न जाने से भी उसका कार्य चल सकता है तो ऐसी शव यात्राओं में ऐसे पिंडदान इत्यादि कृत्यों में न सम्मिलित हो न खुद करे इत्यादि ये नियम है, इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो और भगवान का स्मरण करना, पत्नी को जो है सात्विक विचार सात्विक भावनाएं सात्विक सदुपदेश देना, भगवत चर्चा सुनाना, नहीं तो रामचरितमानस का जो है पाठ उनको पढ़वाना और उनको सुनाना, घर में सात्विकी माहौल बनाना, वो जो ऐसी इच्छा करे जो शास्त्रीय है उसको ला करके उसको देना खाने के लिए पहनने के लिए आहार विहार के लिए, तो ये गर्भिणी पति के धर्म है। इनका यदि वो आचरण करता है तो बलवान गुणवान धनवान यशस्वी तेजस्वी सतपुत्र की प्राप्ति उसे होती है, इसमें संदेह नहीं है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। हर हर महादेव।